तो भैया बम कैसे? कौन सा बम चाहिए? हाँ ये होगा 2 रुपया में, ये वाला 8 हमें मिल जाएगी। हे हम से कम नहीं होगा रखा ना, यूट्यूबर के लिए फ्री है। हे तो चल। हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बीएनसी ब्लॉग। तो कैसे हैं मेरे फैमिली, होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज का वीडियो हम अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज मतलब कल है दिवाली, तो सभी को आज ही एडवांस में हैप्पी दिवाली मेरे फैमिली की तरफ से, मेरे तरफ से और आप सभी के फैमिली मेंबर और आप सभी को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टाउन में, मतलब इतना बम, मतलब पटाखा, कलरिंग लाइट, रंग बिरंगों के लाइट भी मिलेगा। तो चलिए निकलते हैं पहले फटाक से जाने के लिए टाउन में। और आज सिटी है, मतलब थोड़ा क्राउड भी होगा, थोड़ा जाम भी होगा क्योंकि ट्रैफिक तो होगा ही, क्योंकि आज में मतलब पता है ही आप सबको, कोई दिवाली के लिए कुछ पटाखे खरीदेगा, कोई लाइट खरीदेगा, कुछ मतलब आज हम लोग का रविवार मतलब संडे को आज हम लोग का यहाँ पे बड़ा बाजार भी लगता है, मार्केट में भी जाएंगे, वहाँ पे भी दिखेंगे तो क्या है। चलिए निकलते हैं फट ले यहाँ से क्योंकि लेट नहीं करना है और सभी को हैप्पी दिवाली फिर से। चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम कब से आगे यहाँ पे रुका हुआ है, भाई अभी आएगा बोलते 5-10 मिनट गुजर गया और हम अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो भाई भी आ ही रहा है, फ़ोन किया था, कहाँ हुआ अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो देखते हैं लेसी की क्या सीन रहता है। तो भाई इतना लेट करके आया कि हमारा पैर दुख गया खड़ा होके, और अभी बोल रहा है कि जल्दी चलो, हम ये चला रहा है कि हम जल्दी जाने का, जो तुम बात बोला है टम चला रहा है कि हम। तो चलिए टाउन की तरफ थोड़ा हम भी बढ़ते हैं। अरे ब्राइटनेस का कुछ, हाँ अभी ठीक है। तो अभी मतलब फटाका ही फटाका दिखाई देगा आप सभी को। तो इस दिवाली हम मनाएंगे सिर्फ दियो से, ना ही कि फटाकों से, क्योंकि मोदी चाचा बोल रहे थे कि फटाका जलाना मना है और हम लोग का यहाँ पे तो रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक पटाखा फोड़ना मना है। अब हमें तो चचा मना करेंगे फिर भी हम फुटाएंगे ही, बहुत पटाखा बहुत ज़रूरी है फुटाना, तो पटाखा तो जलाएंगे ही जो श्री राम के पास। मार्केट देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म और हमारे सामने पूरा पटाखा का दुकान, इधर है पटाखा और इधर पूरा क्राउड चारों ओर, और उधर भी हमारा मतलब दोस्त का भैया का दुकान है वो भी पटाखा का ही, उधर तो पूरा पटाखा ही पटाखा है, तो उधर भी जाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा आज मार्केट में और आज का वेदर भी कुछ खास अच्छा नहीं है, पूरा दावरी चारों तरफ क्लाउड। तो आज का मतलब ब्लॉग भी उतना अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, बट हम इंटरेस्टिंग करने के लिए देखते हैं क्या होता है लस्सी की। और यहाँ पे पूरा ये क्या है, क्या नाम है इसका, हम तो बुलाते हैं मिर्चाइया बम। और यहाँ पे वो नीचे जो ज़मीन पे घूरता है घूरनी बम हम लोग बोलते हैं, और ये हाजरिया है, और इधर पे अल्फा, यहाँ पे 12 शॉट है, और इधर पे है घूरनी, और इधर पे ये देखिए, और यहाँ पे भी है सारा सा का सारा बम ही बम। इधर मोमबत्ती दिए मतलब बहुत ही चीज़ है, तो आप सभी को आगे भी दिखाते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं, देख सकते हैं चारों ओर बम का ही बाजार और कुछ नहीं, बम का बाजार। भैया बम कैसे, भैया बम कैसे, कैसे बम तो भैया बम कैसे, कौन सा बम चाहिए? हाँ ये होगा 2 रुपया में, ये वाला 8 हमें मिल जाएंगे। हे हम से कम नहीं होगा रखा ना, यूट्यूबर के लिए फ्री है। हे तो चारों ओर बम का ही बाजार, आज बाजार में मतलब इतना क्राउड है सिर्फ बम के लिए, दिवाली के लिए इतना क्राउड है, तो क्या क्या होगा कुछ पता नहीं है। मैं खाली बम, अरे मालिक दुकान का ज्यादा हंसी है मत,
यहाँ पे दो चार गो है, तो हम अभी निकल के जाने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है हल। तो अभी निकलते हैं यहाँ से पहले हम आराम से, और यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा टाउन भी घूमने जाएंगे आज। मैं टाउन में देखते हैं क्या होता है, पूरा कलरिंग कलरिंग लाइट वाला हम लोग गाँव का तरफ भी होगा आज, तो देखते हैं वही क्या होता है। पटाखा तो दिखाइए आप सभी को कितना है, और कल भी दिखाऊंगा। व्यू का टाउन का हाल कुछ ऐसा है, तो चारों ओर रंग बिरंग के लाइटें उधर पे भी दिखाई दे रहा है सभी को। तो इधर देखिए, मतलब दिवाली सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए फेमस है मुझे तक लगा, दो तीन चीज़ों के लिए, एक तो रंगीन लाइट और दूसरा है पटाखा। और यहाँ पे कुछ नया खुल गया स्मार्ट पॉइंट, उन लोगों को पता ही नहीं था, तो कोई बात नहीं है, मतलब नाइट व्यू ऐसा ही रहता है बीएनसी का। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे, मतलब 101K जल्दी से जल्दी करवाइए, आप सभी का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। और ब्लॉग तो अभी इतना खास आ नहीं पा रहा है, आएगा ज़रूर। वाह, और कल तो और धमाका ही ब्लॉक आने वाला है, मैं तो पूरा धमाका करने वाला हूँ कल। पटाखे से थोड़ा मस्ती भी करेंगे, ज़्यादा मस्ती नहीं, थोड़ा मस्ती करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मस्ती करना खुद के लिए हानिकारक होता है, तो उतना नहीं। और मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, खांसी जुकाम तो है ही है। और इधर देखिए, आगे भी दिखाते हैं थोड़ा आप लोग को, यहाँ पर रुक के हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद शाम भी हो गया है। शाम को चाय नहीं पीने से फ्रेश नहीं लगता है माइंड को, तो चाय पीते हैं उसके बाद। चारों ओर सीधा सीधा लाइटिंग देखिए, कितना है मज़ेदार, मतलब धमाकेदार लाइटिंग है यहाँ पे। तो मतलब आज का दिन तो अच्छा ही गया, अभी तक तो ठीक ही है, कल क्या होता है किसी को भी पता नहीं रहता है। तो दिवाली दियो और रंग बिरंगों के लाइटों के लिए फेमस है, और इसमें मतलब एक ही चीज़ कॉमन है कि मतलब राम जो थे 14 वर्ष बाद वनवास से घर लौट के आए थे, और 14 वर्ष में उन अंदर ही रावण का भी वध किया था, तो रावण का वध करके ही वो लौट के आए थे अपने घर। वो वनवास जाने का भी कारण था, उस कारण को भी आप लोग को कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं थोड़ा। तो आज तो चलिए निकलते हैं यहाँ से पहले। इधर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में कुछ कुछ होता रहता है, अंधेरा आ गया, पूरा घर में ही लाइट लगा दिया है, मतलब खाली लाइट ही लाइट है, देख सकते हैं इधर भी लाइट। चचा का घर में पूरा लाइट ही लाइट है, तो क्या कहें अब। और यहाँ पे वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। और उतना दूर में एक लाइट जल रहा है, अच्छा लग रहा है देख के। तो उतना जूम करने से मेरा कैमरा क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है कि वीडियो क्वालिटी भी अच्छा आए, तो हाँ तो मिलना ही है ज़रूरी। तो देखते हैं आगे, आगे भी अच्छा ही है, सब तरफ अच्छा ही है। अपना घर में भी लगाया था, बट एक काम रह गया, मैंने वायरिंग का काम कंप्लीट नहीं किया था, तो वो तो ऐसा ही रह गया, मतलब सुबह सुबह उठ के ही वायरिंग का काम करना है, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग भी करना है। तो वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा कीजिए जल्दी से जल्दी। क्या बोलो, और यहाँ पे LED लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना है कि आँख को ख़राब करने के लिए मेन चीज़ यही है सर, मेरा तो डुबा ही दिया एक। अब कोई बात नहीं है, मेरा चश्मा का लग गया, तब चश्मिश भी बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, वो डज नॉट मैटर, वो मुझ में मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे क्या बोलूँ, लाइटिंग सिर्फ लाइटिंग और दूसरा कुछ नहीं। और पटाखा मेन है, तो पटाखा भी आज फोड़ना है, और आज मस्ती मजा का भी थोड़ा होगा, तो आज का ब्लॉगिंग थोड़ा तो इंटरेस्टिंग हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है अभी भी। तो ब्लॉग को एंड अभी नहीं करना है, अभी तो पूरा आप लोग को मजा लेना है ब्लॉग को। चलिए निकलते हैं यहाँ से पहले फटाफट, इधर चचा का घर देखिए,
पूरा सजा के रख दिया। तो इधर चचा का घर में लाइट फिर से जल गया, हमें देखकर ब्लॉग बना रहा है तो भाई हमारा भी घर आ जाए। चचा ने भी लाइट दे दिया है तो हम भी निकलते हैं एकदम फुल पावर, पैदल पैदल जा रहे हैं। डिस्को लाइट चचा का, डिस्को लाइट है चचा का। चचा बैठे हुए दांत खुदाई कर रहे हैं, कोई जेसीबी से माटी खुदाई करता है तो चचा अपना दांत ही खुदाई कर ले रहे हैं। चलिए निकलते हैं यहाँ से। आहा, बहुत दूर चल रही है यार। एक लाइटिंग लगा दिया है तो मतलब थोड़ा तो मतलब फोकस है यहाँ पे, लाइट का थोड़ा एरिया आ रहा है, बट दूसरे दिन भूत नहीं है, भूत का बात ही नहीं आता है इसमें। तो यहाँ पे चचा का लाइट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सजाया है चचा ने। और चचा ऊपर से देख रहा है हमको कि भाई क्या कर रहा है मेरे घर को दिखा दिखा कर। और यहाँ पे चाची है तो छोड़िए छोड़िए छोड़िए, उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे निकलते हैं निकलते हैं। क्या है उतना देखने से तो ब्लॉगिंग ही अपनी करना, मतलब इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता है अपना गांव में रहने से भाई। तो तरीका उतना तो ऑकवर्ड फील नहीं होता अपना गांव पे किसी के ब्लॉगिंग करने में। हाँ पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता था, पर अब कोई बात नहीं है। आह यहाँ तो पूरा चमका दिया है चचा ने। चचा ही जो हीरो हम लोग का, एक नंबर लड़की बाज है, एक नंबर लड़की बाज है जो आगे जा रहा है। सब दिन तो यहाँ पे देखिए चचा का दुकान, और ये देखिए दुकान का हाल। अरे लाइट भी क्या क्या लगा दिया, कोई ठीक नहीं है। तुम गाना मत बजाओ रे, मेरा कॉपीराइट मार देगा साला। तो चचा का दुकान का हाल देखिए कैसा हुआ है, एकदम लगातार। और तुम कॉपीराइट क्लेम फिर। अरे और दो गो चुहार कहाँ गया है कोई पता नहीं है। अच्छा लग रहा है हमें डीजे लाइट अभी ही, अच्छा लग रहा है देखने के लिए। यहाँ पे बॉक्स खिला कर पूरा एकदम मतलब रात को डीजे नाइट क्लब खोल देना चाहिए यहाँ पे, मजा लग जाएगा यहाँ पे। मतलब गजब हो रहा है, गजब गजब गजब। ऊपर देखिए तो अभी तो वीडियो अभी मजा करना पड़ेगा, पटाखा वटाखा लाना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा और कुछ कुछ बहुत ही करना है। तो ये लाइट कुछ मतलब शोभा दे रहा है यहाँ पे, है तो यूनिक तो है ही, मतलब शोभा है, शोभा देता है ना, बोलता है ना इंसान, वही दे रहा है ये है यहाँ पे। तो अभी बंद करते हैं इस कैमरे को। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब।